पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन हब धर्मशाला में इतिहास का पहला लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया। जिला प्रशासन की ओर से धर्मशाला के महाविद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय साहित्य समारोह का शुभारंभ किया गया। प्रथम सत्र में प्रसिद्ध साहित्यकार विवेक अत्रेय ने समाज के हर पहलू पर अपने विचार रखे। उन्होंने यूथ को क्रिएटिव, गुड कम्युनिकेशन, शांत रहना जरूरी है आदि विषयों के जरिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में युवाओं को किताबें पढ़ने की आदत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि साहित्य समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार नीलेश कुलकर्णी, तेंजिन डोली गुलेरिया, सुनैनी शर्मा, लिली स्वर्ण, विवेक अत्रेय जैसे विभिन्न साहित्यकार शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि पहले सत्र में शाम 6 बजे से 7 बजे तक कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जबकि शाम 7 बजे से शामे गजल कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। देखिए, आज जो धर्मशाला लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका इनॉग्रल जो सेशन था वो अभी संपन्न हुआ है और ये पहला एडिशन है धर्मशाला लिटरेचर फेस्टिवल का। और यहाँ पे जैसे कि धर्मशाला एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत से ऑथर्स हैं जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, यहाँ पे लोकल्स हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो वर्क्स ऑफ आर्ट हैं वो बना रहे हैं। और इसके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट एडिशन है धर्मशाला लिट फेस्ट का, उसको आयोजित किया गया है। और बहुत जो हमारे पूरे देश के अंदर रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, रिनाउंड ऑथर्स हैं, रिनाउंड पोएट्स हैं, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया है और इसकी आज काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। लोकल्स का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है और जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका विशेष तौर पर मैं कहूँगा उनका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और हम होपफुल है कि ये जो 2 दिन का जो फेस्टिवल है ये एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहेगा सबके लिए और इसको हर वर्ष जो है वो एक रूटीन के तौर पर इसको बनाया जाएगा यहाँ पर।